पहले आप देख लो जब आराम से, हाँ तसल्ली से, कुछ जल्दी नहीं है, बहुत टाइम है हमारे पास। अच्छा थैंक यू सो मच, इसीलिए मैं अपनी बीवी को यहाँ नहीं लाता, नहीं तो यहाँ तो वो हंसेगी, घर जाके जूते मारेगी। गुड मॉर्निंग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट वी ऑल हैव पॉजिटिव वाइब्स, बट द पॉइंट इज एवरी डे व्हेन वी स्टार्ट अवर डे वी हैव सम होप्स, वी हैव सम गोल्स टू अचीव, बट द पॉइंट इज एट द एंड ऑफ डे वी आर नॉट एबल टू मेक इट। That positive vibes is, you know, somehow converted into negative throughout the day. That my question is how to convert that positive, little positive vibes into an unstoppable energy so that we can make it. So what you are asking is कि अपने आप को हम unstoppable कैसे बनाएं? Exactly. यानी कि कितनी भी negative vibes हैं उसका असर हमारे ऊपर ना हो, किसी भी तरह की कोई भी external situation का, किसी भी तरह की problem का, किसी भी इंसान का कि वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, उसका असर होना बंद हो जाए, पूरी तरह से बंद हो जाए। मतलब हम अपनी धुन में चलते चले जाएं, हमें फर्क ही ना पड़े क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एग्जैक्टली exactly. सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, वो तो दूर हो गया लेकिन अभी सीरियसली वो तो दूर हो गया लेकिन अभी इट इज लाइक कि अपने अंदर वाला रोग नहीं दूर हो रहा। हाँ, ऐसा हमें लगता है कि वो रोग दूर हो गया है लेकिन वो रोग दूर हो नहीं सकता है, क्योंकि वो रोग इतना डीप है जितना आप अभी सपने में भी नहीं सोच सकते। इन अदर वर्ड्स, जो आपके घर वाले आपसे चाहते हैं कि आप ये करो, और अगर उनको खुश करने के लिए आप कुछ कर रहे हो, ये भी उसी में आ गया। समझ गए? बड़ी तगड़ी बीमारी है ये, जो बहुत गहरी क्वेश्चनिंग से जा सकती है, ऊपर ऊपर से नहीं जा सकती। हमें लग सकता है कि हाँ ये हमारे अंदर से निकल गया है, लेकिन अगर अपने एक्शंस को ऑब्जर्व करोगे सुबह से रात तक आप जो भी कुछ कर रहे हो, तो आपको समझ आएगा कि इसी रोग की वजह से कर रहे हो। किसी को कुछ प्रूव करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, कुछ बनने के लिए, वो बनना जो आपके ऊपर थोप दिया गया है, जिसको बनने के लिए जो करना पड़ रहा है उसको करने में आपको मजा नहीं आ रहा है, टॉर्चर हो रहा है, यानी कि पढ़ाई। समझ रहे हो? तो मैं क्या कर रहा हूँ, हो सकता है अगर आप लोग मेंटली पूरे तरीके से तैयार हो, ये आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि डिपेंड्स अपॉन द ऑडियंस। आप समझ रहे हो, मेरे कुछ सेशंस में लोग होते हैं, वो बोलते हैं सर इतनी डीप बात मत करना, अपना बस बेसिक लेवल की बात करना, तो मैं बेसिक करके खत्म कर दूंगा। बट इफ यू रियली वांट टू गो टू द रूट कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम, इफ यू रियली वांट अ सॉल्यूशन, एक तो है आप ऊपर ऊपर से बोल रहे हो कि हाँ ठीक है ये हो भी गया नहीं भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाहर जाकर के हम वही करेंगे जो आज तक करते आए। बट इफ यू रियली वांट अ सॉल्यूशन कि हाउ टू बी अनटच्ड बाय व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड अराउंड यू, यहाँ पर वहां पर, तो फिर उसके लिए इंक्वायरी तगड़ी करनी। एक्चुअली आई वांट यू to tell us a way that so that we all can dig into our personality and find a solution. Because या फिर हमको मिल करके solution निकालना है। तो कितने लोग चाहते हैं ये topic हो आज के session का? आपने खुद भी अपना हाथ ऊपर कर दिया। वाह जी वाह, खुद भी वोट डाल दिया, बहुत बढ़िया, बहुमत अच्छा है आपके पास में। Please have a seat. Thank you, sir. If you really mean it, what you are asking, और ये चाहते आप सब लोग हो अपने अंदर तक, लेकिन जैसे ही मैं आपको solution दूंगा या जैसे जैसे हम प्रॉब्लम को देखेंगे तो आपके अंदर डर पैदा होगा, होता भी होगा कई बार, आपने नोट किया होगा। जैसे जैसे मैं रियलिटी को अनफोल्ड कर रहा होता हूँ, कुछ सेशंस में आपको डर लग रहा होता है, जहाँ तक मैं वो बोल रहा हूँ जो आपकी सिचुएशन से रिलेटेड है या आपकी ड्रीम से रिलेटेड है, वहाँ तो आपको मज़ा आ रहा होता है क्योंकि आपको एनर्जी मिल रही होती है। जहाँ आपकी ड्रीम्स के ऊपर थोड़ी सी भी चोट लगती है तो आपको सेशन में गुस्सा आने लग जाता है, होता है या नहीं होता है? तो हो सकता है आज अगर आप तैयार हो तो जो भी आपके सपने हैं वो सभी टूट जाए। तैयार हो? Yes, sir. एक सपनों की दुनिया हो गई जिसमें हम जी रहे हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो जो भी लोग कहते हैं वो किस लेवल पे है? माइंड के लेवल पे है। अगर कोई जापानीज भाषा में आपको गालियां दे रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रही है, तो कोई प्रॉब्लम है? तो सुख दुख किस लेवल पे हो रहा है? माइंड के लेवल पे हो रहा है। जो भी आपके ड्रीम्स बन रहे हैं वो किस लेवल पे बन रहे हैं? माइंड के लेवल पे। माइंड मतलब क्या? इंफॉर्मेशन जो हमारी ब्रेन में फीडेड है, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो भरी पड़ी है, जिसके बेस पर हम एक्ट कर रहे हैं, जिसके बेस पर हमने अपनी एक सपनों की दुनिया बनाई हुई है, जिसके बेस पे हमने अपने गोल्स बनाए हुए हैं। तो एक ऑप्शन तो ये है इस सेशन को आगे बढ़ाने का कि जो भी आपकी सपनों की दुनिया है, मैं आपको ये बताऊं कि आप अपने सपनों को कैसे सच करें। समझना अगर इसकी डेप्थ को समझ पाओ तो। एक ऑप्शन यह है सेशन को आगे बढ़ाने का कि मैं आपको रास्ता बताऊं, यही आप मुझसे चाहते हो। आप कुछ और नहीं चाहते हो, आप मुझसे ये चाहते हो यार ये फालतू की बातें मत करो,
आप बस ये बताओ, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो, यू वांट अ क्विक पिल। आप कहते हो यार मेरे सर में दर्द हो रहा है, सरदर्द और मत बढ़ाइए, समझा करके कि सरदर्द क्यों हो रहा है, तो मुझे दवाई दे, समझ गए ना, मुझे गोली दे जिससे कि मेरा सरदर्द ठीक हो। मैं आज क्या बात कर रहा हूँ, ये दो तरीके हैं वर्बल सेशन को आगे बढ़ाने के। एक ऑप्शन तो ये है कि मैं वही करूँ इस सेशन में जो आप मुझसे चाहते हो, यानी कि आपको एक गोली दे दूँ। कि मैं ना डिस्ट्रैक्ट बहुत होता हूँ, क्यों डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, क्योंकि मेरा ये सपना है उसको मुझे सच करना है, उसके लिए मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, उसके बाद में मेरी जॉब लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो जाएगा, उसके बाद में लाइफ बढ़िया हो जाएगी। ऐसे ही आप सोच रहे हो लाइफ के बारे में, आप समझ गए ना, ये पूरी की पूरी एक सपनों की दुनिया है जिसके अंदर आप जी रहे हो, जो आपके अंदर या तो फीड कर दिए गए हैं, आपको बता दिया गया है बचपन से लेकर के आज तक कि तेरे लिए यही करना सही है, क्योंकि हमने ये किया है। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आसपास में लोग हो सकते हैं, आपके खुद के माइंड में क्रिएट हो सकता है कि मेरा दोस्त तो इतना आगे निकल गया, मैं इतना पीछे रह गया, जहां पर कंपैरिजन चलता रहता है सुबह से रात तक, तेरा भाई तेरी बहन समझ गए, गुप्ता जी का बेटा, शर्मा जी की बेटी, हाँ ये सब चलता रहता है ना। तो इसके बेस पर आप एक्ट कर रहे हो किसी को कुछ प्रूव करने के लिए, कुछ बनने के लिए, जो आपको लगता है कि बन करके पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ शायद मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, मेरे अगर सपने सच हो गए तो लगता है ऐसा कि पता नहीं क्या हो जाएगा, होता कुछ नहीं है सपने ही बदलते रहते हैं, जैसे ही कुछ मिल जाता है वहां से आपका ध्यान हट जाता है। तो एक ऑप्शन तो ये है मैं आपको असिस्ट करूं, आपको बताऊं कि आपके जो ड्रीम्स हैं उसको सच कैसे करना है। दूसरा है जो भी आपके ड्रीम्स हैं उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग जाए और हम रियलिटी को समझने की कोशिश करें, उससे क्या होगा, अगर वो समझ आ गई तो हो सकता है ये जो पूरा का पूरा जो ड्रीम वर्ल्ड है, एवरीथिंग पुट टुगेदर, जो भी आपका माइंड है वो सब ढह जाएगा और पूरी की पूरी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगी। तो क्या चाहते हो आप, क्या होना चाहिए आज के से? हिम्मत है, पूछ लो अपने आप से, क्योंकि बड़ा खतरनाक है इस रास्ते पे चलना। एक सपनों की दुनिया है जिसके अंदर आप जी रहे हो सुबह से लेकर के रात तक। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी ने अपने माइंड में बिठा लिया कि मुझे सीए करना है, तो ये कहां से आया उसके माइंड में? आई थिंक इससे आप ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। किसी के माइंड में आया मुझे सीए करना है, किसी के आया मुझे डॉक्टर बनना है, किसी के है कि मुझे आईआईटी को क्रैक करना है, उसके लिए मुझे ये एंट्रेंस देना है, उसके लिए इतने साल तक वहां पर जाकर के तैयारी करनी है, दिन के 12-12, 15-15 घंटे पढ़ना है, उसके बाद वहां पर कॉलेज में जाकर के भी इतना पढ़ना है, उसके बाद में ये करना है। तो ये आ कहां से रहा है सर? लोगों की बातों से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हमारे अंदर फीड कर दिया गया है सर? लेकिन हम ये चीज सोचते हैं ना कि यार अगर हम ये चीज नहीं करेंगे तो दुनिया बाद में कहेगी तूने कुछ किया ही नहीं। हाँ, तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सब कहाँ, किसका पार्ट है, ये रियलिटी का पार्ट है या ये सपनों की दुनिया में हम जी रहे हैं? लोग क्या कहेंगे? लोग तो कुछ ना कुछ, आप कुछ भी कर लो कहते ही रहेंगे। तो अगर आप इसलिए कर रहे हो कि लोग वो कहना बंद कर देंगे तो आप महाबेवकूफ हो। लोग तो तब भी कहेंगे, आप गरीब हो तब भी कहेंगे, अमीर हो जाओगे तो कहेंगे जरूर कोई गलत काम कर रहा है तो लोग तो कहते ही रहेंगे, लोगों का क्या है? पर सर सब कर भी तो ये रहे हैं। तो सब कर रहे हैं तो क्या वो सही है रास्ता? नहीं, या हम ये देखें कि क्या कोई तरीका है कि हम सपनों की दुनिया से निकल करके रियलिटी में आए और फिर उसके बेस पर एक्ट करें। दोनों में फर्क समझ आ रहा है ना? एक है आपके अंदर इंफॉर्मेशन फीड कर दी जैसे किसी रोबोट के अंदर, किस बेस पे करी, जिस तरह के एनवायरमेंट से वो निकल कर गया। अब ये बातें कड़वी लगेंगी सुनने में, थोड़ा सा सुन लोगे ना, क्योंकि ये रियलिटी है। मतलब मैं कहीं भी कोई सब्जेक्टिव बात नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसी बात है जिससे आप सब रिलेट कर जाओगे। एक बच्चा पैदा होता है घर में जिसको माँ बाप प्यार बोलते हैं, वो प्यार क्या होता है, वो तब तक ही होता है जब तक वो बच्चा छोटा सा होता है, टेडी बियर के जैसा होता है, एक स्टफ टॉय के जैसा होता है, तो ओले 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 मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, ये वो प्यार 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 ये वो। उसके बाद में क्या होता है, जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है माँ बाप के ऊपर इमेंस प्रेशर होता है कि अब मेरे बच्चे को कुछ बनाना है, तो वो पूरा का पूरा प्रेशर उसके ऊपर डाल दिया जाता है। और कैसे बनाना है, इस एजुकेशन सिस्टम के थ्रू बनाना है। तो एजुकेशन सिस्टम भी अपने आप में बहुत तगड़ा प्रेशर क्रिएट करता है बच्चे के ऊपर कि अब तुझे फर्स्ट आना है। पेरेंट्स भी चाहते हैं कि तुझे ये करना है, तो प्रेशर कभी कम ही नहीं होता है, वो बढ़ता ही जाता है टाइम के साथ साथ में। हो सकता है लाइफ अभी जो आपकी है जिस भी लेवल पे है, अगर उसी सपनों की दुनिया में आप जीते रहे तो धीरे 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 वो और खराब होती चली जाएगी। खराब होने का पता कैसे लगेगा आपको, आपकी लाइफ खराब हो रही है? जाकर के उन लोगों को देखो जो बन चुके हैं, जो आप बनना चाहते हो, क्या वो अपनी लाइफ से पूरी तरह से सेटिस्फाइड है या अपने पास्ट को याद कर रहे होते हैं कि वो स्कूल कॉलेज के दिन भी क्या दिन थे? इसका मतलब क्या है कि आज जो आपके दिन है
वो लाख गुना बेटर है उससे जब आपके सपने सच हो जाएंगे उस दिन से। तो रियलिटी क्या है? रियलिटी बहुत कड़वी है, इसको कोई नहीं देखता, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता, क्योंकि सब उस सपनों की दुनिया का ही हिस्सा है। जब आप उस सपनों से बाहर निकलोगे तब आप रियलिटी को देख सकते हो। जब आपके अंदर कोई डर नहीं होगा किसी भी तरह का तब आप उसको देख सकते हो। जब आपके अंदर कोई अपना पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई सेल्फिश मोटिव नहीं होगा तब आप उसको देख सकते हो। आपके पेरेंट्स नहीं देख सकते, वो डर जाएंगे देखने में कि कहीं मेरा बच्चा बेरोजगार ना हो जाए सारी रियलिटी को देख करके, जबकि ऐसा होगा नहीं। मेरा ये मोटिव नहीं है कि आपको खत्म कर दिया जाए, मेरा मोटिव क्या है कि आपको अनस्टॉपेबल कैसे बनो। रियलिटी में बोलने वाला हूं, हो सकता है कड़वी भी लगे सुनने में, कोशिश करना सुनने की। आपकी सपनों की दुनिया में एक इमेज बना दी गई है, आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर दिया गया है कि तुझे इंजीनियरिंग करनी है। मान लो उसके लिए कंपटीशन आप सबको पता ही है कितना होता है अगर ढंग के कॉलेज में घुसना है तो। और लोकल कॉलेज में कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को घुसाना नहीं चाहते क्योंकि इंजीनियरिंग थोड़ी करवानी है, डिग्री चाहिए वहां से जिसकी कोई वैल्यू हो। वैल्यू मतलब क्या? जहां से पैसा आए। तो किसी का काम में इंटरेस्ट नहीं है, वो आपको इंजीनियर नहीं बनाना चाहते हैं, वो आपको एक ऐसी मशीन बनाना चाहते हैं, नोट छापने की मशीन, जहां पे ज्यादा से ज्यादा नोट आए। पहले स्कूल में हमारा टॉर्चर चलता रहता है प्रेशर की वजह से, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नंबर ज्यादा ज्यादा ज्यादा, वो ज्यादा कितने भी ज्यादा आ जाए वो कम ही पढ़ते हैं एंड में। तो प्रेशर कभी भी कम नहीं होता है, वो बढ़ता ही रहता है टाइम के साथ साथ में। उसके बाद में होता है कि यहाँ पर जाना है, मान लो इस इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, उसके लिए एंट्रेंस को क्रैक करना है, उसके बाद में उसके लिए दिन में मान लो 10-12 घंटे पढ़ना है। तो क्या पढ़ने में आपको मजा आ रहा है या टॉर्चर हो रहा है? हाँ, बट इस रियलिटी को कोई बोलेगा नहीं क्योंकि वो जो सो कॉल्ड इंस्टीट्यूट्स हैं या जो पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम है, आपके पेरेंट्स हैं, वो उसको बड़ा एक अच्छी पिक्चर बना करके आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। क्योंकि वो जो चाहते हैं वो तभी सच हो सकता है जब आप उससे निकल करके वहां तक पहुंचोगे। मतलब थोड़ा अजीब लग रहा है या बढ़ूं आगे या रुक जाऊं यहाँ पर? हाँ तो सर, क्वेश्चन ये भी तो बन जाता कि फिर आखिर हम करें क्या? उस पे बाद में आएंगे ना, पहले अभी पहले समझ लेते हैं ना कि क्या है, थोड़ा सा पेशेंस रखो। तो फिर उसके बाद में क्या होता है कि 2 साल 3 साल 4 साल जब तक भी नहीं हो जाता आपका, तब तक लगे रहो, अपना टॉर्चर करवाते रहो। कितने घंटे एक दिन में? 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे नॉनस्टॉप। फिजिकली भी उसकी वजह से हमारा टॉर्चर होता है, एक ही जगह पर आप बैठे रहो, हमारी जो बॉडीज बनी है वो बनी है भागने दौड़ने के लिए, खेलने कूदने के लिए, उन सब चीजों के लिए। समझे? खेलने कूदने की तो आजकल कोई बात ही नहीं करता है, कहां बात होती है। पढ़ो 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 पढ़ो, और नंबर 90 भी आए तो कम है, और पढ़। तो फिजिकली भी टॉर्चर हो रहा है, मेंटली भी टॉर्चर हो रहा है, क्योंकि मेंटली यू डू नॉट लाइक दैट थिंग बट स्टिल यू आर डूइंग इट बिकॉज ऑफ प्रेशर। वो प्रेशर किसका है? आप ही की अपनी सपनों की दुनिया का प्रेशर है। एक्चुअल में तो कोई प्रेशर नहीं है। एक्चुअल प्रेशर में और मेंटल प्रेशर में फर्क समझ आ रहा है? साइकोलॉजिकल प्रेशर और फिजिकल प्रेशर। फिजिकल प्रेशर मतलब क्या? मैं यहां पर आऊं और आपके सर के ऊपर आकर के ऐसे दबाऊं या आपको आकर के मारूं, दैट इज व्हाट फिजिकल प्रेशर। व्हाट इज साइकोलॉजिकल प्रेशर? एक्चुअल में आपको कोई नहीं मार रहा है, एक्चुअल में आपको किसी ने नहीं बांधा हुआ है, फिर भी टेंशन में हो। समझ गए? दोनों में फर्क समझ आ रहा है? ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा ना? थोड़ा कोशिश करना चलने की, एंड में देखना कुछ बड़ा मजेदार निकल करके आएगा यहां से, अगर आपके अंदर पेशेंस है तो। दैट यू कैन कॉल एज रियल फ्रीडम, दैट यू कैन कॉल एज बीइंग अनस्टॉपेबल, दैट यू कैन कॉल एज बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल दिस इल्यूजरी वर्ल्ड। अभी हमको रियलिटी समझ नहीं आई है, बस हम अपनी सपनों की दुनिया के हिसाब से एक्ट करते चले जा रहे हैं। एक बार आपको समझ आ गई, फिर आप जो एक्ट करोगे वो रियल एक्शन होगा। वहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। कंफर्ट जोन तो नहीं होगा ना हमारे लिए सर? किस चीज में? वही हो गया ना सर, टॉर्चर नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहे, तो लगा कि कंफर्ट जोन में चले गए। हाँ, देखो पहले आगे से आगे छलांग मार रहे हो। हाँ, मैं आपको किसी भी एंगल से कंफर्ट जोन में दिख रहा हूं? कंफर्ट जोन किसे बोलते हैं? कंफर्ट जोन बोलते हैं डर में जीना। ये जो मैं बोल रहा हूं, मैं किसके अगेंस्ट बोल रहा हूं? पूरी दुनिया के अगेंस्ट बोल रहा हूं, 700 करोड़ लोगों के अगेंस्ट बोल रहा हूं। इसके लिए कैसा माइंड होना चाहिए? जिसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। मतलब आप 4 लोगों के अगेंस्ट खड़े होने में डरते हो कि मेरे पड़ोसी क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, वो समझे। पति है, पी करके रोज मार रहा है, लेकिन उसको डिवोर्स देने से डरते हैं। लोग क्या कहेंगे, उसके बाद में क्या होगा। मैं क्या कर रहा हूं, 700 करोड़ लोग इस धरती पर, इस प्लैनेट के ऊपर खड़े हुए हैं, जो एक तरीके से भाग रहे हैं, सब बकवास है। जो भी पूरी दुनिया बोलने वाली है मेरे को सुन करके, मेरे को उसका रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है।
संदीप महेश्वरी बेवकूफ है, पागल है, मेंटल है, ये है वो है, क्या फर्क पड़ता है? फिजिकल हर्ट और साइकोलॉजिकल हर्ट में फर्क समझ आ रहा है आपको? फर्क पड़ेगा आपको अगर आ करके आपके पेरेंट्स बोलेंगे कितना बेवकूफ है, कितनी पागल है, इसमें तो अकल ही नहीं है, भोंदू है, डम है, फर्क पड़ता है ना? क्यों पड़ता है? क्योंकि आपको पता ही नहीं है फिजिकल हर्ट क्या होती है और साइकोलॉजिकल हर्ट क्या होती है, यू डोंट नो द डिफरेंस। और कोई थोड़ी सी आपकी तारीफ करता है आपको बड़ा अच्छा लगने लग जाता है, लगता है ना ये लड़की सही है हमारे घर में, ये लड़का निकम्मा है, जबकि आपके भाई की बुराई हो रही है और आपको मजा आ रहा है। आता है कभी अपने अंदर झांक करके देखो, आप बार बार से दिखा सकते हो नहीं मजा नहीं आ रहा है, अंदर से बड़ा अच्छा लग रहा होता है, आहा। फिर हम कहते हैं मैं अपने भाई को प्यार करती हूँ। समझ पा रहे हो ना कितना कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ पर? आई एम टॉकिंग अबाउट अ लाइफ जहाँ पर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। आप चाहे संदीप महेश्वरी की तारीफ कर रहे हो, आई नो दैट दैट इज नॉट द रियल थिंग, करते रहो ना, उससे फर्क क्या पड़ने वाला है? मेरी लाइफ खराब होने वाली है, मेरी ब्रेथ में चेंजेस होने वाले हैं, मेरा खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा अगर आप मेरी बुराई करोगे तो। मेरी किसकी? उस नाम की, वो नाम जो सपनों की दुनिया का हिस्सा है जिसका रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं। आप क्या बोलोगे? मैं ही संदीप महेश्वरी के बारे में उल्टा सीधा बोल दूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है? फ्रॉड है, एक नंबर का चोर है, समझ गए, नकली आदमी है, बेवकूफ है, उसको कुछ पता ही नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ? संदीप महेश्वरी की धज्जियां उड़ा रहा हूँ। आपको बुरा लगने लग जाएगा थोड़ी देर बाद, मेरे को नहीं लगने वाला, क्योंकि आप उस नाम से जुड़े हुए हो कि संदीप सर को ऐसा मत कहो। मुझे पता है आप लोगों का माइंड, ऐसे मत बोलो, बड़े अच्छे हैं संदीप सर तो। अरे काहे का अच्छा है, बेवकूफ है, एक नंबर का। अब बोलो, कहीं भी डर नजर आ रहा है आंखों के अंदर? फिर और यहां पर आपको लग रहा है 50-60 लोग बैठे हुए हैं, एक्चुअल में 10 लाख से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। आपके लिए 50-60 है, मेरे लिए 10 लाख लोग हैं, मेरे लिए पूरी की पूरी दुनिया है। इसको बोलते हैं फ्री होना। क्या आप मेरी तारीफ कर रहे हो, मेरी मतलब इस नाम की तारीफ कर रहे हो, इस नाम की बुराई कर रहे हो, उससे मेरी लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोग यहीं पर जी रहे हैं और इसको जिंदगी बोल रहे हैं, इसका रियल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं है। What I want is कि you all must be absolutely free, at least at the level of your mind. फिर आप physically ढंग से act कर सकते हो, जो अपने mind के level पे पूरी तरीके से बंधा हुआ है, narrow है, एक ही limited दायरे में गोल 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 घूम रहा है, वो life में क्या कुछ भी ढंग का कर सकता है? अब देखो, यहां तक हम पहुंच गए, entrance तक पहुंच गए, उसके बाद में college में गए, वहां पर क्या हो रहा है? डबल टॉर्चर, रियलिटी है, सच बोलने की ताकत लाओ अपने अंदर से। उसके बाद में चलो जी, आपको एक जगह पे जॉब मिल गई। अब मान लो आप वहां पर चले तो गए, ये सब करके, मतलब अपना इतना टॉर्चर करवा के आप वहां तक पहुंचे उस कंपनी में। अब अगर उस कंपनी में आपको सफोकेशन हो रही है, आपको मजा नहीं आ रहा है वहां पर काम करके, आपको वहां का वर्क एनवायरमेंट अच्छा नहीं लग रहा है, यू डोंट वॉन्ट टू वर्क देयर, यू फील दैट आई एम नॉट मेंट फॉर दिस, क्या करोगे? अच्छा, इतना आसान है छोड़ना? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। जहां आपने छोड़ने की बात भी करी अपने घर वालों से, क्या करेंगे? धज्जियां उड़ा देंगे आपकी, बेटे पागल हो गया है, चल कम से कम 2 साल तो पूरे कर ले, रिज्यूम पे देखने में अच्छा लगेगा, मतलब कम से कम 2 साल का तो अपना और टॉर्चर करवा ले। आप कहोगे मैंने पहले 12 साल का कराया, उसके बाद में 3-4 साल कराया, फिर 4 साल कराया, अब 2 साल और। हाँ बेटा, इतना तो कराना ही पड़ता है, नहीं तो तेरा रिज्यूम खराब हो जाएगा। ये लाइफ है या नहीं है? Yes, हाँ। फिर आपने हिम्मत करके किसी तरीके से फिर अपना कहीं चेंज किया, कहीं गए, मानो वहां पर आपको पैकेज पहले वाले से बेटर मिल गया, लेकिन सेटिस्फैक्शन लेवल और कम हो गया क्योंकि प्रेशर और बढ़ गया। तो सपोजिंगली इफ यू डोंट लाइक दिस सिस्टम एट ऑल, आपको नौकरी करना ही पसंद नहीं है, आपको पसंद है कि मुझे ऋषिकेश में जा करके स्वामी नहीं बनना है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मान लो राफ्टिंग करनी है और राफ्टिंग करवानी है लोगों को, why not? या फिर आई लव मे बी से फ्लावर्स, आई लव कलर्स, तो आपका मन है कि मेरे को फ्लावर्स का कुछ काम करना है, मतलब कि फ्लावर्स के मैं बुके बनाऊंगा या बनाऊंगी, वट एवर, लेकिन कर नहीं पाओगे आप मरते दम तक। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये क्या कर रहा है, ये पागल हो गया क्या? यही 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 बात होगी आज अगर आपकी फैमिली में भी कोई कुछ ऐसा करेगा, यानी कि IIT भी कर लिया, क्रैक ये भी कर लिया, उसके बाद पैकेज भी लग गया 12 लाख का, 15 लाख का, फिर उस बंदे ने कहा मेरे को ऐसा पसंद नहीं है, मुझे मजा नहीं आ रहा है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, जिसके इतने सपने देखे थे, अब मेरा वो सपना टूट चुका है,
यानी कि जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर में हमको फंसाया जा रहा है, जिसमें हम फंसे हुए हैं और हम सोच रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, उसके एंड में जब हम जा करके देख रहे हैं, अगर वो सब कुछ कर भी लिया, अब बोल तो कितने लोग कर पाएंगे, समझ गए? हजारों में से कोई एक होगा जो एक्चुअल में उस लेवल तक पहुंच पाएगा जिसको रियल में सक्सेस बोलते हैं। वहां पर पहुंच करके भी कुछ नहीं है, सब खाली का खाली है। अगर इस रियलिटी को आप समझ जाओ तो क्या होगा, अब इसके बेस पे जो एक्शन होगा वो किसी और ही लेवल का होगा। अब जो आपके ड्रीम्स होंगे, जो आपके प्लान्स होंगे, वो कुछ अलग होंगे। आपकी लाइफ का सेंटर पॉइंट ही बदल जाएगा। आपको एक तरह से समझ आ जाए कि इस दुनिया को प्रूव करना, मतलब अपने माइंड के लेवल पे कुछ भी अचीव करना, उसमें कुछ नहीं पड़ा है। वो एक ट्रैप है जिसमें जो फंसा वो फंस गया, वो कभी बाहर नहीं आ सकता। वहां से बाहर आया जा सकता है तो अभी आया जा सकता है, सही तरह की क्वेश्चनिंग से, वरना बाहर आया नहीं जा सकता। अगर इस बात को आप गहराई से समझ लो, और कभी एक्सपेरिमेंट करना है तो करके देखो, कभी कुछ दिन के लिए, हफ्ते 10 दिन के लिए पहाड़ों पर चले जाओ, ट्रैकिंग करो। किसी ने ट्रैकिंग करी है? कभी करके देखो ना लाइफ में, क्या आप चार दीवारी में घुसे पड़े हो? बाहर निकल करके देखो दुनिया को, ट्रैकिंग करो विथ सम लिमिटेड रिसोर्सेस। देखो कम से कम पैसे में भी, कम से कम चीजों से भी मैं खुश कैसे रह सकता हूं। तो मेरी ये बातें जो अभी आपको थ्योरेटिकल लग रही है, ये प्रैक्टिकल हो जाएंगी। मैं पर्सनली ऐसी ऐसी जगह पर रहा हुआ हूं, मतलब 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, जहां पर खुद ही अपने कमरे की सफाई करनी है। छोटा सा कमरा है, कमरा क्या है, झुग्गी है एक तरीके से आप कह सकते हो। खुद ही उसकी सफाई करनी है, खुद ही खाना बनाना है, खुद ही बर्तन साफ करने हैं, और मजे से जीना है, खुद जाकर के सामान खरीद करके लाना है। उसके बाद भी लाइफ बढ़िया होती है, साफ सुथरी हवा होती है, आराम से बैठे हैं। इससे क्या होता है, हमको समझ आता है कि फिजिकली हमको सर्वाइव करने के लिए और मेंटली हमको खुश रहने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। सर जैसे हम ड्रीम्स में जी रहे हैं, तो सर उसके साथ हमें, हमारे पास टारगेट है कि हमें ये चीज करनी है, लेकिन अगर हम रियलिटी में आते हैं तो बेसिक नीड इनफ है, और उसके लिए सर हमारे पेरेंट्स वो सब पूरी कर ही रहे हैं, तो सर आगे के लिए टारगेट क्या बचते हैं सर? वेरी गुड क्वेश्चन। What she's saying is, फिर हम क्या करेंगे अगर हमारी लाइफ में कोई ड्रीम ही नहीं है, क्योंकि ड्रीम वर्ल्ड पूरा का पूरा ढह गया, रियलिटी में ड्रीम्स के लिए कोई जगह ही नहीं है। तब रियलिटी में क्या करना होता है, कुछ ऐसा करो विच आई लव डूइंग, समझ गए? कुछ भी करो। अब आप कहोगे क्या करो, अरे करोड़ों चीजें हैं इस दुनिया में करने के लिए। आप चाहे पढ़ाई करो, लेकिन अब आप क्यों पढ़ाई करोगे, किसी को कुछ प्रूव करने के लिए नहीं, मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, ये स्किल चाहिए, ये नॉलेज चाहिए, ताकि मैं वो कर सकूं जो मेरा पैशन है। लाइफ की डायरेक्शन ही चेंज हो गई। अब आप एजुकेशन सिस्टम को यूज करोगे अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। अभी क्या हो रहा है, ये एजुकेशन सिस्टम आपको यूज कर रहा है आपकी लाइफ की धज्जियां उड़ाने के लिए। अभी एजुकेशन सिस्टम आपकी ले रहा है, फिर आप एजुकेशन सिस्टम की लोगे, समझ गए? क्योंकि अब आप उसको यूज कर रहे हो, वो आपको यूज नहीं कर रहा है। देख रहे हो ना लाइफ कितनी बदल रही है। हाँ, ऐसा नहीं है, अब आपको पैसे से एलर्जी भी नहीं होगी। लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं, किसका मतलब, जो पैसा आएगा अब पैसा नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, आने देना जितना आ रहा है। इफ यू आर लविंग व्हाट यू आर डूइंग, अगर वहां पर आपको 5 लाख रुपए महीने का आ रहा है, आने दो, क्या दिक्कत है? बट आप पैसे के पीछे नहीं भाग रहे, पैसा खुद चल करके आपके पास आ रहा है।